एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे 800 से जायद वीडियोस अपलोड करने के बाद, अपनी जिंदगी के 8 साल देने के बाद और 4 मिलियन की फैमिली बनाने के बाद, बहुत हैवी हार्ट से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये मेरा आज का आखिरी व्लॉग है। इसपे सैड होने वाली क्या बात है, अगर एक डिसीजन लिया है तो उसको स्टैंड करो, उसके ऊपर इंशाल्लाह एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। जहाँ से मैंने सिस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया था, मैं वहीं से सिस्ट्रोलॉजी को एंड करूंगी। ये जो व्लॉग है ना, ये मेरा लास्ट व्लॉग है। कोई बात हुई है तो बताओ मुझे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बंदा बैठ के बात करता है, ये बात है, इसमें हम लोग थोड़ी हो, जो लोग देखते हैं उनके लिए कि आप एकदम से उनका वो खत्म कर रही हो। ये हमने सिस्ट्रोलॉजी सबने मिलके स्टार्ट किया था, तो अब हम सब मिलके एंड कर रहे हैं। मेरा आखिरी व्लॉग है। चैनल बंद डिलीट कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी, दिस इज मी क्रकावल, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपने यूट्यूब पे कम्युनिटी पे एक पोस्ट लगाया था जिसपे मैंने लिखा था कि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, एंड मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी और उसमें भी मैंने यही कहा था कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और उसके बाद आपको अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। तो मैंने भी अपनी जिंदगी का एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लिया है आज, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे 800 से जायद वीडियोस अपलोड करने के बाद, अपनी जिंदगी के 8 साल देने के बाद और 4 मिलियन की फैमिली बनाने के बाद, बहुत हैवी हार्ट से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये मेरा आज का आखिरी व्लॉग है, क्योंकि मैं YouTube क्विट कर रही हूँ। मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैंने किस तरह से इस जो है वो एम्पायर को खड़ा किया, ये आसान नहीं होता। इतनी ऑडियंस को गैदर करना, अपनी खुशी अपनी गमी में शरीक करना, अपने साथ जो है उनको लेके चलना, ये बिल्कुल आसान नहीं होता। अब बस मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, बल्कि तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, और मैं आपको वजह बता देती हूँ कि वजह क्या बनी है। जैसे कि आपको पता है कि मैरिड लाइफ की जिंदगी जो है वो थोड़ी सी लड़कियों के लिए डिफरेंट होती है, सिंगल लाइफ उसकी टोटली डिफरेंट होती है। उस वक्त आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती, अपने घर की जिम्मेदारी नहीं होती, अपने शौहर की जिम्मेदारी नहीं होती। उस वक्त आप खुद अपने माँ बाप पर डिपेंड कर रहे होते हो, आपके हर काम हो रहे होते हैं, आपको कुछ भी खुद से मैनेज नहीं करना पड़ता। सो एक बार अरीब ने मुझे बोला था कि इकराम, मुझे लगता है कि तुम ना व्लॉगिंग को साथ में मैनेज नहीं कर पाओगी। तो मैंने अरीब को बोला था कि मैं ना कर लूंगी, मेरे से हो जाएगा। अब जो है वो बस फिर से हमारी एक म्यूचुअल डिस्कशन हुई। अरीब ने मुझे बोला कि मुझे लग रहा है इकरा, तुम सही से मैनेज नहीं कर पा रही हो, घर को भी सारा दिन देखती हो, थक जाती हो, तबीयत भी खराब होती है, फिर तुम एकदम से फोन भी उठा लेती हो, वीडियोस बनाती हो, काम करती हो, पोस्ट करती हो, तो वो एक अलग ही स्ट्रेस है, तुम कैसे मैनेज करोगी। तो मैंने और अरीब ने जो है वो म्यूचुअली मिलकर ये चीज डिसाइड की कि मैं जो है वो व्लॉगिंग छोड़ दूंगी, फॉर द सेक ऑफ माई फैमिली, फॉर द सेक ऑफ माई हस्बैंड और अपने घर को देखने के लिए। खैर, अरीब साहब जो है वो आ चुके हैं। और वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी सैड सैड क्यों है? क्योंकि आज मैं बहुत सैड हूँ, मेरे लिए आसान नहीं है अलविदा कहना। बता दिया लोगों को? लोगों को बता दिया मैंने। तो इसपे सैड होने वाली क्या बात है, अगर एक डिसीजन लिया है तो उसको स्टैंड करो, उसके ऊपर इंशाल्लाह एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। देखो तुमसे लोग प्यार करते हैं, दादा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो अब तुम्हारे पास एक वजह भी है। ऐसी बात है, चीजें नहीं मैनेज हो रही, इतना काम करती हो, इतनी चीजें करती हो, थक जाती हो, बीमार हो जाती हो, तो मैं इसलिए तुम्हारी बेहतरी ये है कि तुम अब थोड़ी सी अपने आप पे ध्यान दो, अपने घर के ऊपर ध्यान दो, बस ये वजह है। और ऐसा सोचने कोई वजह नहीं है, ना कोई मैं फोर्स कर रहा हूँ, ना कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि छोड़ो। ये डिसीजन सिर्फ किसी एक बंदे का नहीं होता, हम दोनों अब एक ही हैं, तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि मैं इस चीज को क्विट कर रही हूँ और मैं जो अपना जर्नी हर टाइम आपसे शेयर कर रही होती थी वो अब नहीं करूंगी। और मुझे नहीं पता मेरी फैमिली वाले किस तरह से रिएक्ट करेंगे, अपनी फैमिली को जाके जब मैं बताऊंगी तो वो क्या सोच, क्योंकि उनके साथ मैंने मिलके सिस्ट्रोलॉजी बनाया था। सो बेसिकली मामा की तरफ जाऊंगी, उनसे शेयर करूंगी, उनको बताऊंगी। जहां से मैंने सिस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया था, मैं वहीं से सिस्ट्रोलॉजी को एंड करूंगी। तो अब यहाँ से अरीब मुझे घर जाना है, तो आप भी हैं सैड। मैं सैड तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम सैड हो रही हो तो मुझे ज्यादा दुख इसलिए हो रहा है कि तुम सैड हो रही हो। हम लोग निकल गए हैं, अब यहाँ से सीधा पहुँचते हैं मामा की तरफ और मामा को अब जाके बताएंगे। मैं थोड़ी बताऊंगा, आप भी जाएंगे ना मेरे साथ? मैं नहीं जा रहा, अंदर तुम खुद जाना, तुम बता के जो करना करके आ जाना, मिलके मैं चला जाऊंगा दोस्त की तरफ। ये क्या बात हुई, मैं दोस्त की तरफ चला जाऊंगा? आप साथ जाएंगे अरीब?
वो लोग तो ये समझेंगे ना कि मेरी वजह से कर रही हो, हालांकि हमारा म्यूचुअल डिसीजन है कि ठीक है हम दोनों की बेहतरी यही है, हैं? हाँ म्यूचुअल डिसीजन है, लेकिन एक दफा उनको उनसे हम म्यूचुअली भी मिलते हैं ना। वो लोग ये समझेंगे कि मेरे कहने की वजह से तुम ये कर रही हो, मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ या मैं फोर्स कर रहा हूँ, तो ये तो गलत चीज हो जाएगी ना। नहीं अरे मुझे फोर्स नहीं कर रहे, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था, लेकिन आपको पता है कि हर लड़की की पहली प्रायोरिटी उसका घर होता है, उसका हस्बैंड होता है, तो बस मैंने भी उसको चूज किया, मैं ही जाकर उनको बता दूंगी, सिंपल एज दैट, कि आपने एक पॉइंट रखा है मैंने उसको मान लिया, बस इतना इतनी सी बात है, इतना परेशान ना हो। बस अब चलते हैं उनके पास। फाइनली हम लोग मामा की तरफ पहुंच चुके हैं, चलें रीप निकले। मैं नहीं जा रहा, आज आप सांस अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट करके कुछ ढूंढना स्टार्ट हो गया, आ जाएं। तुम जाओ, मैं 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? मुझे कहाँ करके आना, तुम करो। अरे मेरे साथ चलें, मैं आता हूँ ना 5-10 मिनट तक, आप जाओ कोई बात नहीं, कुछ नहीं तो तुम जाओ। आज ये लड़का वाहिद दिन है जिस दिन ये मेरे साथ नहीं जा रहा, और मैं याद रखूंगा। मैं बनता नहीं जाना, मैं आ जाऊंगा 10 मिनट तक, आ जाऊंगा, आ जाएंगे, प्रॉमिस। हाँ मैं जा रही हूँ भाई अपनी फैमिली के पास, अपनी फैमिली को ये बताने के लिए। Let's see how they will react. Finally, मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, अपने मम्मा से बैठी हुई है। मम्मा बाकी सब कहा है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, रोजा शोजा खोल रही हूँ? हाँ जी रोजा शोजा खोल लिया है, इफ्तारी इफ्तारी हो गई है, बस अब निकल पड़ी हूँ यहाँ पे। बाकी सब किधर है? फातिमा राबिया ज़ैनब सब अपने कामों में बिजी है, राबिया तैयार हो रही, कहीं जाना है उसने। हाँ फातिमा मेरा ऊपर है, हीरा भी ऊपर है, ज़ैनब दोस्तों की तरफ है। अब टाइम आता है वो वाला जिस वक्त आई नीड टू, समझ नहीं आ रही मुझे क्या करूँ, मगर वो टाइम आ गया है जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है, जो अभी मैं अपनी मम्मा को बताने जा रही हूँ। मम्मा आपसे एक बात करनी है, जो मैं करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, बेसिकली आपको बताने के लिए। 10 बातें कर। मम्मा मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। क्या? बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा डिसीजन लिया मैंने, कि ये जो व्लॉग है ना, ये मेरा लास्ट व्लॉग है, इसके बाद मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही, मैं व्लॉगिंग छोड़ रही हूँ। ये कोई डिसीजन है? मैं तो समझी कोई कहेगी मैंने कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये डिसीजन, ये कौन सा डिसीजन है? मम्मा मतलब अब से मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी और मैं कोई पोस्टिंग यूट्यूब पे नहीं कर रही। क्या मतलब, किसी ने कुछ कहा है? नहीं मम्मा, बस अरीब ने मुझे कहा है कि तुमसे घर नहीं मैनेज हो रहा, तुमसे चीजें नहीं मैनेज हो रही, तुम मुझे सही से टाइम नहीं दे पा रहे हो, तुमसे वीडियो बना रहे हो। एक मिनट कैमरा पहले बंद करो, कोई बात हुई है तो बताओ मुझे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है? बंदा बैठ के बात करता है, ये क्या बात हुई कि कैमरा ऑन करके तुम मुझे सब कुछ बता रही, तो मैं कोई क्या तुम्हें डिसीजन दूंगी? मम्मा कैमरा बेसिकली मैं यहाँ पे आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि मैंने और अरीब ने मुझे बताया और मैंने और अरीब ने डिसाइड किया है इसके लिए कैमरे की क्या जरूरत है। मम्मा लास्ट व्लॉग है, मशवरा दूंगी, कुछ पूछूंगी, क्या मैं पूछू, ऐसे नहीं मैं पूछ सकती कि क्या पूछो तुमसे कि क्या करना है क्या नहीं, वो मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई प्रैंक हो रहा है, क्या हो रहा है वो। नहीं प्रैंक नहीं यार, मैं तो बस अपना रिएक्शन आपका लेना चाह रही हूँ कि मैंने आपको बताया है कि ये मैरिड जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन। किस वजह से? वजह मतलब अरीब ने कहा है कि टाइम नहीं तुम दे पा रही, तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रही, तुम घर पे टाइम नहीं दे पा रही, तुम मेरे ख्याल से बैल बैल हुई है, कोई आया है शायद। अरीब साहब कोई 10 मिनट लगा के हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बताया है मम्मा का रिएक्शन नहीं सबको, नहीं अभी से मम्मा से, मम्मा आपको बुला रही है। तुमने मेरे पे बात डाल दी होनी। नहीं अरे मैंने आप पे नहीं डाला, म्यूचुअल डिसीजन, हमारा एक म्यूचुअल डिसीजन, तो बस ठीक है। अब उसमें क्या क्या हाल चाल है? क्या ये क्या नई नई खबरें सुना रही है? क्या नई नई खबरें सुना रही है? क्या सुना रही कि मैं तो व्लॉग बंद कर दी, ये मेरा लास्ट व्लॉग। मैं तो सही इकरा से पूछा, मैंने देखे, मैंने आपको बताता हूँ, इकरा ने बताया, मैंने इकरा को पूछा, इकरा देखो अब तुम्हारे पास काफी चीजें, तुम मैनेज कर लोगी, पहले कहती कर लोगी, मैंने अगर मैंने करवाना होता मैं उसको कब का कहता, कहती मैं कर लूंगी। फिर अब मुझे कहती है कि मेरे से चीजें मैनेज नहीं होती, मेरी ना तबीयत खराब है, मैं सर दर्द होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अफतारी भी बनाती है, सहरी भी बनाती है, बाबी के साथ मिलकर सारे काम करती है, घर साफ रखती है, चीजें वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो मैंने कहा यार इकरा तुमसे बेहतर ये है कि तुम व्लॉग ना बनाओ, छोड़ दो व्लॉग, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर तुम ज़्यादा बेहतर ज़्यादा टाइम फोकस जिधर देना चाहती हो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम देख लो, कहती ठीक है आप कहते हो तो मुझे भी ये समझ आता है। इसमें तो रीप का कसूर ही नहीं है, वो तो तुम पे छोड़ रहा है। मम्मा उसका, मम्मा मैंने कब कहा है, लेकिन मुझे छोड़ते हुए बुरा लग रहा है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मैं हूँ परेशान, मैं छोड़ रही हूँ एक चीज, मैंने एक चीज को स्टार्ट किया है, मैं उससे बहुत ज्यादा अटैच हूँ, वो फीलिंग शायद आपको नहीं होगी, इसको नहीं होगी, लेकिन जो मेरे दिल पे गुजरी है वो मैं जानती हूँ ना, कि हमसे कह रही है मैं काम छोड़ रही हूँ और हमसे हौसला लेना चाहिए। आप कुछ नहीं कोई बात नहीं हो जाएगा। मेरी बहनें वगैरह आती हैं, फिर मैं उनसे भी डिस्कस करती हूँ, बल्कि उनसे मिलवाती हूँ, उनको उनको याद कराती हूँ, मेरा याद है मेरा पहला व्लॉग कैसा था, मैंने कैसे बनाया था, इतना मतलब किस तरह से मैं बनाती थी,
तो बस मैं उस मेमोरीज को रिकॉल कर रही हूँ। पहला और ये आखिरी एक जैसा ही बन रहा है, बोलना नहीं आ रहा था, इसमें भी आवाज लड़खड़ा रही है। इसमें तो आवाज लड़खड़ा इसलिए रही है क्योंकि मम्मा नहीं, आप समझ सकते हैं, कोई नहीं। मेरी बहनें भी आ चुकी हैं और दोनों बहनें मेरी क्यूट क्यूट छोटी बहनें, मेरे मम्मी और हस्बैंड भी हैं, एक बहन मेरी मिसिंग है। खैर इन लोगों को मैं बता देती हूँ, इन लोगों ने दो ज्यादा दोस्तों के पास गई हुई अपने तालीम घर। तो यार मैंने सबको यही कहा है, मैंने मम्मा को भी बताया कि ये मेरा यूट्यूब पे आखिरी ब्लॉग है, मैं यूट्यूब क्विट कर रही हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ स्टार्ट किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी बड़ी अच्छी जर्नी रही है। और तुराबिया तुमने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, फातिमा ने बड़ा, तुम हंस क्यों रही हो यार, ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आप क्या मतलब, एक मिनट छोड़ क्यों रही हो, मजा छोड़ने की। मैंने अपने हस्बैंड को मैनेज करना है, मैंने अपना घर मैनेज करना है। छोड़ने में हस्बैंड को क्यों आगे ले आती हूँ, जो म्यूचुअल डिसीजन लिया उसमें बताओ कि ठीक है, ये मसला है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ये करें, दैट्स इट, घर को टाइम नहीं दे। ये बात इसमें हम लोग थोड़ी हो, जो लोग देखते हैं उनके लिए कि आप एकदम से उनका वो खत्म कर रही हो, इतने जो मेहनत की है। हीरा भी आ गई है, हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हीरा, पहले इतनी सीरियस हो गई, सबके मुंह क्यों उतरे हुए हैं, उतरे में तो नहीं है बस ठीक है सबके, मतलब एक्सप्रेशंस थोड़े वो हैं, हुआ कुछ नहीं, बस बता रही हूँ हीरा, ये हमने सिस्ट्रोलॉजी सबने मिलके स्टार्ट किया था, तो अब हम सब मिलके एंड कर रहे हैं। नहीं मतलब इस चैनल को जो मैंने स्टार्ट किया था उसको मैं क्विट कर रही हूँ, मेरा आखिरी व्लॉग है आज का। हंस क्यों रही हो, बकवास कर रही हो ना फिजूल में, पागल हो गई यार मेरी बहने, अल्लाह मैं क्या बोलूं, अब चैनल बंद डिलीट कर रही हूँ, डिलीट नहीं कर रही, वो रहेगा यार ये क्या है, कम करने की रीजन, इतने लोग व्यूज तुम्हारे, लोग तुम इतना पसंद करते हैं, वही बंद कर दे यार। बता बेसिकली बात क्या है, अरीब ने मुझे कहा था कि तुमने अपने घर को मैनेज कर लो, कि मैंने कहा मैं कर लूंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो मैनेज नहीं हो रहा, मैं मैनेज करूंगी, मैं तुम्हारे घर आके सफाई पोछा लगा दूंगी। ये बात है, व्लॉग डेली की जगह वीक में 3 दफा डाल दिया करो, जैसे मैं करती हूँ, जरूरी थोड़ी है कि मैं डेली करने, अगर नहीं डाल सकती तो एक खत्म करने का तो मुझे नहीं समझ आती, ये छोड़ने का तो तरीका ही नहीं, बंदा साल में एक डाल देता है। एक मिनट पहली बात है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, तूने व्लॉग खत्म करना है, बंद करना, तो एक स्टोरी लगाओ, अगला व्लॉग ने डाली, अगला व्लॉग लास्ट व्लॉग डाले क्या, तभी तुमने स्टोरी भी लगाई थी, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, वो इसीलिए लगाई थी यार क्योंकि मैं छोड़ रही हूँ यार, तुम लोगों के लिए मजाक है एक चीज, मेरी कसम को छोड़ रही हूँ, मुझे पता लग गया, मैंने तुम्हें अभी अप्रैल फूल नहीं बनाया, अब तुम लोगों के साथ आ गई है कैमरा लेके, अप्रैल अब भी अप्रैल फूल है ना यार, क्या बकवास है, पता है अप्रैल फूल है, पागलों की तरह फूल, मम्मी बनाने की तरह चुनाव बाजी ला रही है, बड़े तो मतभेद हो यार, ये कितनी जला गए यार, यार मैंने ये सिंपल अप्रैल फूल की दास्तान हो रही है, ठीक है इतने तो हम बहुत चलाको आपी, और मैंने सर से पकड़ा है कि अगर यार अल्लाह अली में ये एस्ट्रोलॉजी की पांचों महीने कितनी जला गए यार, मुझे सारी लाइनें इकरा ने बताई थी कहने के लिए, इसने मुझे कहा था ये आइडिया दिया था कि लोगों के साथ प्रैंक करना है, मुझे तो बता दे, लेकिन मैंने कहा था ना ये फातिमा है पकड़ लेगी नामे वगैरह, ये लोग मैंने तुम्हें बताया था, पता है ना प्रैंकस्टर्स की टोलियां है, हमारे घर में चूहे होते हैं ना, हमारे घर में प्रैंकस्टर्स है, तो यार बेसिकली ये प्रैंक जो था ना वो मेरी फैमिली के लिए नहीं था, वो मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए था, जिसको पकड़ लिया है आपकी जो चलाक तरीन फातिमा, इस घर में सिर्फ अम्मी मासूम है गाइस, ये अम्मी मेरी मासूम है जिसको मैंने तो भी तुम्हारा टाइटल देख के सब पकड़ लिया होगा, अप्रैल फूल पे टाइटल है तो यार लोगों ने नाम तो पकड़ लिया होगा, इट्स कॉमन, लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे सीरियस वाले, क्या हो गया क्या हो गया, मैं बेचारे मासूम लोगों के, आप लोगों का ऐसा कर दो, मैं पापा करूंगी आप लोगों के साथ, नहीं मुझे भी हो गया, क्या मुझे लगा कि बीमार है या कुछ ऐसा वैसा हुआ है, मुझे ये लगा, तुम लोग वैसे सोच रही होगी, आप भी पता है यकीन करो, मुझे ना जैनब नहीं थी, मैंने स्टेटस लगाया जैनब की, मुझे कॉल आई, आप भी, मैंने कहा हाँ, कहती व्हाई लाइफ इज एन अनप्रेडिक्टेबल, क्या हुआ है, मैं कहा तू किधर जा रही, कहती इफ्तारी करने, मैं कहा तू मेरा पुत्र इफ्तारी करके आ, उसको मैंने कुछ भी नहीं बताया, ये बड़ी एक बड़ी स्टेटमेंट थी, मैंने भी कहा मुझे लगा कि पता नहीं कोई घर पे आपके कोई मसला चल रहा है, मैंने कहा पर्सनल होगा, लड़ाई होगी अजीब भाई और किराए की लड़ाई, नहीं नहीं और इतना पर्सनल चल रहा है कि मैंने स्टोरी पे लगा दी गाइस, मैं आप लोगों से तरह तहे दिल से माजरत खवाऊं, क्योंकि मैंने बेसिकली आपकी आपके साथ प्रैंक किया, आपको अप्रैल फूल बनाया, आप लोग मेरी फैमिली हो ना यार, जैसे मैं पिछले साल मैंने एक प्रैंक किया था अप्रैल फूल का,
और वो इस मोहतरमा ने मेरा कामयाब नहीं होने दिया था। कौन सा किया था मैंने? इसी दफा मुझे ये सोचने पर याद करो, हंस हंस के तुमने बुरा हाल कर दिया था, पापा आए तुम हंसना शुरू हो गई। तो मम्मा जब मैंने रीव की भाभी और अपना प्रैंक किया था ना, तो मैंने तब हाथ में कैमरा नहीं पकड़ा था, नहीं तो उसको उसने 2 मिनट में पकड़ लेना था। ऐसी बात है, बंदा कैमरे के साथ हो तो पता चल जाता है, पता चल जाता है। मैं इसलिए कह रही थी कैमरा बंद करो, इकरा बात करे, कैमरा बंद ही नहीं हो रहा, नहीं मैंने लोगों को दिखाना है। तो लोगों को दिखाना था ना, आखिरी ब्लॉग है। चले जी गाइस, अब हम लोग जो है ना वो यहाँ से निकलने लगे हैं, घर चलते हैं इंशाल्लाह। मुझे पता है कि बड़ा हैवी प्रैंक आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ, खैर कोई नहीं, घर पहुँचते हैं, मिलते हैं फिर घर जाकर। अरे पता चले तुम्हारे बाल ऊपर ही जा रहे हैं। हमेशा मैं आपको कहती हूँ मेरी माँ नहीं गई। मेरे साथ आपको पहले बता दो, ये सब कुछ ये आपकी प्रोमिस ब्लॉगर ने मेरे से करवाया था, मुझे बताया था ये बोलना है क्योंकि मैंने अपनी ऑडियंस का प्रैंक करना है। ये मुझे कहती रहती है कि मिनटों में के प्रैंक करो, ये के साथ प्रैंक करो, तो आज मैं इनके साथ प्रैंक करूंगी। अच्छा वैसे एक बात ही अंडरस्टूड है, वैसे सोचने वाली बात है कि अगर मैं कहूंगी अरीब ने मुझे एक चीज से मना कर दिया, अरीब मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। मैं सबसे ज्यादा मतलब क्वेश्चन आ गया मेरे में, अगर मैं सच्ची में कहता छोड़ दो क्या करती? अल्लाह, अरे वाकई में रीफ आपके लिए जान हाजिर है, ये तो बहुत छोटी सी चीज। ओए होए, बड़ी चला, इसको पता है मैंने कभी कहना ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी इसने स्ट्रगल की है, जितना जिस तरह ये मेहनत करती है, मैं देखता हूँ, मैं साथ रहता हूँ, तो मैं नहीं कह सकता ये चीज, क्योंकि मुझे पता है कि उसने बहुत मेहनत की और बहुत इस चीज में मेहनत लगती है, तो मुझे आइडिया है इस चीज का। और मैं हमेशा तुमने ये कह दिया मेरे लिए यही बहुत है, बस दैट्स इट। अरीब देखें, मेरी लाइफ में हमेशा मेरे बाप ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, और मैं आगे जहाँ तक भी जाऊंगी वो आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं जा सकती, आपके कॉन्सेंट के बगैर नहीं, आपकी सपोर्ट मेरे लिए एक वाइटल फोर्स कहते हैं ना किसी भी चीज को। अल्लाह ताला ऐसा हस्बैंड सबको दे, भाई मेरी तो दुआ है ऐसा, यानी ये ना नहीं, 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 मेरे साथ अपना हस्बैंड मैं दे ही ना दूँ मेरा हस्बैंड। अल्लाह आपको अच्छा हस्बैंड दे, जो भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, अभी घर पहुंचते हैं हम लोग, पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पे अपने घर पे। और अब मैं आपको बता दूं कि मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे, उसके बाद मुझे इतने मैसेजेस आए और मैं उस चीज पे इतना ओवरवेल्म हो रही थी कि लोगों का जो कंसर्न था मेरे साथ, लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया है, जितना उनको मेरे बारे में वो फिक्रमंद हो रहे थे, मुझे वो देख के मेरा मुझे एकदम हुआ कि यार मुझे स्टोरी नहीं लगानी चाहिए थी, पता नहीं लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट ना कर दूं मैं, तो गाइज मैं तो बड़ा एकदम परेशान हो गई। मुझे एक बार एकदम कहती है कि अरीब मुझे लग रहा है कि नहीं ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मैंने तो कुछ और सोचा था, ये कुछ और हो गया। तो मैंने कहा देखो जाहिर सी बात है लोग कनेक्टेड है, तो लोगों को कंसर्न होता है इस तरह ही है, तो कह रही क्या करूं, मैंने कहा बस किया तो करो, खत्म करो उसको। बीच में मैं बताऊं इतने मुझे प्यारे मैसेजेस आए थे, ये देखें कुछ मैसेजेस मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, कि इतने खूबसूरत लोगों ने जो है वो मुझे मैसेजेस किए थे, जिस तरह मेरी फिक्र कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये लोग मेरी फैमिली से ज्यादा मेरे से कनेक्टेड है और मुझसे इतना प्यार करते हैं। उस प्यार का जो आपने मेरे लिए दिखाई, उस फिक्र का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी इस बेस्ट व्लॉगर को इसी तरह प्यार करते रहे, ये व्लॉगर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छा कॉन्टेंट जो है ना वो लेके आती रहेगी, एनर्जेटिक हमेशा की तरह। और दूसरी बात, कुछ लोग बीच में इतने चिल्ला के देना, उन्होंने पकड़ लिया भाई कि ये तो पक्का कोई अप्रैल फूल का चक्कर लग रहा है बाबू भैया, तो ये मैसेजेस भाई उनके भी आए हैं। और मैं एकदम थोड़ा सा मुझे हौसला हुआ कि यार चलो लोगों को डाउट हो रहा है कि ठीक है, थोड़ा बैलेंस हो गया, वरना मैं एकदम घबरा गई थी। खैर गाइज, आप लोगों को क्या लगता है मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगी? भाई व्लॉगिंग जो है वो मेरे अंदर रच बस चुकी है, और मैं ये व्लॉगिंग, ये भी बड़ा लंबा सफर है, और ये मैं आपको बहुत दूर तक आगे तक लेकर जाऊंगी। अभी भाई एस्ट्रोलॉजी के हमने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं, अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह से मुझे मिलता रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एस्ट्रोलॉजी को 10 मिलियन पर लेके जाएंगे। माजरत करना चाहती हूँ उन तमाम लोगों से जिनको मैंने हर्ट किया है जाने अनजाने में, आई एम रियली सॉरी, तहे दिल से आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था ये बात इतनी सीरियस हो जाएगी, मेरी एक स्टोरी जो है वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन उस स्टोरी के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार बहुत सी माएं मुझे देखती हैं, बहुत सी बहनें मुझे देखती हैं, बहुत से लोग मुझे जो प्यार करते हैं, जो मेरे लिए फिक्रमंद हो रहे हैं, उनके मैसेजेस देख के ना मेरा दिल भर आया, और मेरा दिल चाहा एक मिनट के लिए कि यार चलो किया है तो कर लेते हैं, बट आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी अगर मेरी वजह से किसी की जो है वो सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं, किसी की इमोशंस हर्ट हुए हैं, आई एम सो सॉरी। अब इस वीडियो को, इस ब्लॉग को मैं, अच्छा दूसरी बात, ये जो मेरा एक मुझे करवाया गया था, मैंने कुछ नहीं किया था, ये मेरा इनर मुझे वेफूल बुरा बनाई जा रहे थे कि अरीब ने कहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये। वैसे अरीब आपकी एक्टिंग
फ्रॉम एक्स थी, अच्छी की थी नाइस, आई लाइक इट। मेरा साथ इसमें भी आपने दिया, यू आर बेस्ट लाइफ पार्टनर एंड बेस्ट व्लॉगिंग पार्टनर एज वेल। खैर इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।